हाय माय लवलीज़, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर डिंपल सारंगे एंड आई होप आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय स्किन पैम्परिंग रूटीन विद क्लीन मेकअप लुक। ऑल्सो मैं इस वीडियो में गिव अवे विनर भी अनाउंस करूंगी, सो मेक श्योर आप वीडियो पूरा देखना। गिव अवे विनर मैं वीडियो के लास्ट में अनाउंस करूंगी। सो यार, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओके गाइस, सो दिस इज माय बेयर फेस राइट नाउ एंड यू कैन सी माय स्किन इज नॉट बिहेविंग गुड। आई एम हैविंग ब्रेकआउट्स ऑल ओवर माय फेस एंड इस टाइम अपने स्किन को थोड़ा सा पैम्पर करने की, थोड़ा सा मोर एक्स्ट्रा केयर करने की या थोड़ा सा दुलार करने की जरूरत होती है, जस्ट लाइक अ बेबी। सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग टू पैम्पर माई सेल्फ विद गोल्ड स्किन केयर रेंज। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग एट ऑल। आज मैं यूज करूंगी 24 कैरेट गोल्ड स्किन केयर रेंज के प्रोडक्ट्स, क्योंकि यू नो वी ऑल नीड सम एक्स्ट्रा केयर एक टाइम पर जब हमारी स्किन अच्छी नहीं चल रही होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक अ पोनीटेल। ऑलराइट यू गाइज, आई जस्ट चेंज माई माइंड एंड मैं हेयर बैंड लगाऊंगी। बहुत टाइम से मैंने अपने आप को पैम्पर नहीं किया था, अपनी स्किन को पैम्पर नहीं किया था, जब से मेरी स्किन ऐसी हो गई है। सो आज सही वक्त है पैम्पर करने का। ओके, टू पैम्पर माई सेल्फ आई एम यूजिंग 24 कैरेट गोल्ड स्किन केयर रेंज बाय पिलग्रिम। इस रेंज में आपको मिलेगा 24 कैरेट गोल्ड फेशियल मास्क, 24 कैरेट गोल्ड फेशियल सीरम एंड 24 कैरेट गोल्ड ब्यूटी ऑयल। आई थिंक आप लोगों को पिलग्रिम के बारे में पता होगा, देयर प्रोडक्ट्स आर 100% वीगन, क्रुएल्टी फ्री, उसमें किसी भी तरीके का हार्मफुल केमिकल यूज नहीं होता है, सल्फेट एंड पैराबीन फ्री, इट इज़ ए ट्रस्टेड इंडियन FDA अप्रूव ब्रांड, ऑल्सो इट इज़ ए प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड एंड इनके प्रोडक्ट सुटेबल हैं ऑल स्किन टाइप के लिए एंड मैन एंड वुमेन दोनों इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स बनाने में जितना भी इंग्रीडियंट यूज़ हुआ है उसका सोर्स सब आपको मिल जाएगा पिलग्रिम की वेबसाइट पर। इसके बाद मैं एक फ्रेश मेकअप लुक दिखाऊंगी आपको, द वेरी वायरल क्लीन गर्ल मेकअप लुक। मैंने पहले भी शेयर किया है बट मैंने सोचा दोबारा से शेयर कर देते हैं। इस बार हम 24 कैरेट गोल्ड वाला यू नो स्किन केयर करके करते हैं, सो दैट हमारी स्किन भी प्लम्पी, हाइड्रेटेड एंड फ्रेशन अप लगेगी। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट से। सबसे पहले हम लगाएंगे पिलग्रिम 24 कैरेट गोल्ड फेशियल मास्क। तो कैन यू सी द कंसिस्टेंसी, इट लिटरली लुकिंग लाइक गोल्ड। इसका आपको जेनरस अमाउंट लेना है एंड इवनली अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी डेंस और रिच है, क्रीमी है, अच्छे से अप्लाई भी हो जाता है। इसका मेन इंग्रेडिएंट है 24 कैरेट गोल्ड एंड ऑलिव ऑयल लीव एक्सट्रैक्ट। ये आपके रिंकल्स एंड फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है, कोलेजन को बूस्ट अप करता है, स्किन को फॉर्म रखने में हेल्प करता है, ब्राइटन अप बनाता है एंड आपको हफ्ते में 1 से 2 बार फेशियल मास्क अप्लाई कर लेना चाहिए। ऑलराइट, आई एम डन विद माय फेस पैक। इसे मैं रख दूंगी अपने फेस पे तकरीबन 20 मिनट्स, जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, सूख नहीं जाता। उसके बाद मैं इसे ल्यूक वार्म वाटर से वॉश कर लूंगी या फिर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला वाटर भी ले सकते हो। इट इज़ रियली गुड अगर आपको कहीं फंक्शन अटेंड करने जाना है एंड यू वॉन्ट टू लुक लाइक अ ब्यूटी क्वीन। आप चाहते हैं कि आपके फेस का ग्लो रिस्टोर हो जाए, आपका फेस यू नो ब्राइटन अप एंड ग्लोइंग लगे। 20 मिनट्स हो चुके हैं एंड ये सूख गया है, मतलब इतना भी नहीं सूखा है स्टिल। जब मैं इसे टच करूँगी तो क्वाइट गीला गीला लगेगा, वेट लगेगा थोड़ा सा, बट ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा। जैसे बहुत सारे फेस पैक होते हैं सूखने के बाद आपकी स्किन को एक्सट्रीमली डिहाइड्रेट कर देते हैं, ये वैसे नहीं है। 20 मिनट बाद भी यू कैन सी मेरा फेस हाइड्रेटेड लग रहा है। अब मैं इसे वॉश कर लूँगी एंड आई विल बी राइट बैक। ऑल राइट, मैंने फेस पैक हटा लिया है एंड एज यू कैन सी फेस काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है, टेक्स्चर इम्प्रूव लग रहा है, फ्रेश लग रहा है एंड ऑफकोर्स स्किन काफ़ी हाइड्रेटेड लग रही है मेरी। आई फील मेरी स्किन काफ़ी हाइड्रेटेड है, ऐसे ड्राई और डिहाइड्रेटेड नहीं लग रही है जो कि आमतौर पर लगती है जब हम फेस पैक लगाते हैं, विच इज़ रियली गुड। अगर आपके फेस की नमी बरकरार रहेगी ना तो आपका फेस भी हेल्दी और ग्लोइंग और यूथफुल लगेगा एंड दैट्स वाई आई एम रियली लविंग दिस फेस पैक। उसके बाद मैं लगा रही हूँ पिलग्रिम 24 कैरेट गोल्ड फेशियल सीरम। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। द पैकेजिंग इज सो गुड, आपको ग्लास बॉटल में मिल जाता है, पैकेजिंग इज़ सुपर लग्जूरियस, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है, ड्यूरेबल पैकेजिंग है, ड्रॉपर भी काफ़ी अच्छा है इसका। मैं इसके 3 ड्रॉप्स लूँगी, मैंने इसके 3 to 4 ड्रॉप्स लिया है एंड इसे लेके अपने फेस पे इस तरीके से मसाज करूँगी।
गाइज, ये एक लाइट वेटेड एंड रिच फील देता है अप्लाई करने के बाद। ये आपकी स्किन को डीपली नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, पिगमेंटेशन रिड्यूस करता है, स्किन बैरियर को रिपेयर करता है, एंटी एजिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग में हेल्प करता है। स्किन काफ़ी ब्राइटन अप हो जाती है अप्लाई करने के बाद। इट ऑल्सो बूस्ट कोलेजन। इसे आप दिन में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट। इसके मेन इन्ग्रीडियंट है 24 कैरेट गोल्ड, नायसिनमाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड। इसका टेक्सचर मुझे काफ़ी पसंद आया, लाइट वेटेड, नॉन स्टिकी एंड क्विकली एब्जॉर्ब हो गया मेरी स्किन पे एंड प्यारा सा शीन छोड़ दिया है इसने। मेरी स्किन नेचुरली विद इन से ग्लो कर रही है एंड इसने मेरी स्किन में डीपली हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करी है, आई कैन फील इट। इस प्रोडक्ट को आप अपने डेली स्किन केयर में इंक्लूड कर सकते हो, आप अपने मेकअप से पहले इंक्लूड कर सकते हो ताकि आपकी स्किन हेल्दी भी रहे, प्लम्पी भी लगे एंड हाइड्रेटेड भी रहे। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी पिलग्रिम का 24 कैरेट गोल्ड ब्यूटी ऑयल। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। द पैकेजिंग इज सुपर लग्जूरियस, ड्यूरेबल एंड इसका ड्रॉपर भी काफ़ी अलग है। एक्चुअली मुझे इनकी पैकेजिंग ने काफ़ी इम्प्रेस किया। सो ये आपको कुछ ऐसे ड्रॉपर के साथ मिल जाएगा, जब आप इसे पुश करोगे लाइक दिस तो आपका सीरम और ऑयल, बेसिकली ऑयल बाहर आ जाएगा बॉटल में से, ड्रॉपर में से। इसके मैं 3 ड्रॉप लूंगी। ओके, इसका टेक्सचर भी लाइट वेटेड है एंड काफी रिच फील दे रहा है। अप्लाई करने के बाद स्किन काफ़ी डीपली हाइड्रेट हो जाती है। ये आपके नेचुरल ग्लो को भी इन्हेंस करता है। इट ऑल्सो इम्प्रूव स्किन टेक्सचर। की इंग्रेडिएंट इज 24 कैरेट गोल्ड, आर्गन ऑयल, नीरोली ऑयल। ये एक नॉन स्टिकी एंड लाइट वेटेड फेशियल ऑयल है। इसे मैं जिस तरह से प्रेस करूँगी अपनी स्किन में ताकि जितना भी मॉइस्चर है वो लॉकअप हो जाए एंड मेरी स्किन डीपली हाइड्रेटेड हो जाए। पता है जब मेरी स्किन हाइड्रेटेड रहती है ना, अंदर से ही अच्छी वाली फीलिंग आती है। आई फील सो वार्म अप एंड हैप्पी बिकॉज माई स्किन इज़ हैप्पी। ओके, सो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस स्किन केयर करने से पहले एंड स्किन केयर करने के बाद। पहले फेस कितना सारा डल लग रहा था, अब फेस पे इंस्टेंट काइंड ऑफ ग्लो आया है एंड आई एम रियली लविंग दिस हेल्दी ग्लो एंड रेडियंट लुक ऑन माई फेस। फेशियल ऑयल को आप मेकअप से पहले भी लगा सकते हो अपने फेस को प्रेप करने के लिए। रिंकल्स को रिड्यूस करता है, फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है, ब्रेकआउट को प्रिवेंट करता है, स्कार्स को रिड्यूस करता है। अप्लाई करने के बाद हेल्दी ग्लो भी देगा ये। लिंक्स एंड डिटेल्स इन तीनों प्रोडक्ट्स की मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर जाऊंगी, सो मेक श्योर आप चेक कर लेना। अगर आपको अपना थोड़ा पैसा बचाना है तो कूपन कोड यूज कर सकते हो जो कि है ब्यूटी ब्लश 15 फॉर एक्स्ट्रा 15% ऑफ उनकी वेबसाइट से शॉपिंग करने पर। मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगी ये प्रोडक्ट परचेज कर लो, क्योंकि जब भी स्पेशल इवेंट होता है आपको अच्छे से आपके फेस को यू नो रेडी करना होता है, ब्यूटी रेडी करना होता है। यू कैन डेफिनेटली गिव दीज प्रोडक्ट ट्राई एंड आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। या फिर आप मेरी तरह अपने आपको पैम्पर करने के लिए, अपने फेस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करने के लिए आप इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो, अपने डेली स्किन केयर रूटीन में भी यूज कर सकते हो एंड इसके बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आई विल मूव ऑन टू द मेकअप वाला पार्ट। सो माई फेस इज वेल हाइड्रेटेड, आई डोंट फील लाइक कि मैं प्राइमर लगाऊं, क्योंकि फेस का बेस एकदम स्मूथ लग रहा है एंड काफ़ी प्यारा भी लग रहा है। तो आई डोंट वॉन्ट टू रुइन दिस शीन एंड द फ्लॉलेस लुक ऑन माई फेस, तो मैं प्राइमर स्किप कर दूंगी एंड आई विल अप्लाई ए स्टिक हाईलाइटर ऑन माई हाई पॉइंट्स, हेयर 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 एंड हेयर एंड फिंगर की हेल्प से इसे मैं ब्लेंड कर लूंगी, ड्यूई एंड ग्लॉसी लुक लगेगा। उसके बाद हम डायरेक्टली लगाएंगे अपना कंसीलर, अगर आप चाहो तो फाउंडेशन लगा सकते हो, बट दिस इज लाइक अ वेरी मिनिमल मेकअप सो आई जस्ट स्किप माई फाउंडेशन एंड मेरे कंसीलर पर पूरा भरोसा है। अब मेरे स्किन पर जितने भी फ्लॉज दिख रहे हैं मैं उसे हाइड करूंगी, लाइक माई पिम्पल, पिम्पल मार्क्स एंड पिगमेंटेशन। अब मैं करूंगी कॉन्टोर बहुत ही नेचुरल सा, येट अपने फेस को एक डायमेंशन देने के लिए। जेंटल प्रेशर देते हुए ब्लेंड करेंगे इसे। टाइम फॉर द लिक्विड ब्लश बहुत ही थोड़ा सा, क्योंकि ये काफी पिगमेंटेड है। ओके, इट जस्ट ब्लेंड इनटू माय स्किन बहुत अच्छे से। सब लोग कहते हैं आई ओवर डू ब्लश, बट यू गाइज दैट इज माय स्पेशलिटी। ब्लश के ऊपर मैं टॉप करूंगी हाइलाइटर, थोड़ा सा ब्रॉन्जी कलर का हाइलाइटर, बिकॉज आई वॉन्ट दैट यू नो वेरी फ्लश्ड एंड फ्लैटरिंग लुक। आईब्रो जेल से आईब्रो को सेट कर लेंगे।
उसके बाद मैं लूँगी कॉन्टोर एंड थोड़ा सा डायमेंशन ऐड करूँगी अपनी आईलेट्स में। कॉम्पैक्ट पाउडर लेके अपने अंडर आईज के नीचे सेट कर लेंगे। मस्कारा को अच्छे से कोट कर लेंगे। हल्का सा ये वाला ब्लश का शेड टॉप कर देंगे। न्यूट कलर की लिपस्टिक अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर अप्लाई करेंगे लिप ग्लॉस। इससे लिप्स काफ़ी जूसी एंड प्लम्पी लगेंगे। ऑल राइट, आई एम डन विद माई मेकअप लुक। वेरी मिनिमल, रिफ्रेशिंग, ग्लोइंग एंड फ्रेश। आई डोंट नो मैं अपने बालों के साथ क्या करूँ, सो ऐसे ही रहने देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ स्किन केयर माई स्किन लुक्स लाइक स्किन विद इन ग्लो कर रही है एंड इट इज़ रियली गुड। यू कैन सी इट इज़ परफेक्ट फॉर लाइक एवरी डे पर्पज से, लाइक डेली मेकअप रूटीन से, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल लग रहा है। ओके गाइज, इट्स टाइम टू अनाउंस द गिव अवे विनर, द मोस्ट अवेटेड मोमेंट। तो मैंने रैंडमली चूज़ किया है, वो है, मैं आपको इधर फ्लैश कर दूंगी और मैं नाम भी बता देती हूँ, रिंकी सिंह। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट, बहुत प्यारा लगा मुझे एंड आई लव यू सो मच। सो आप मेरे को अपनी डिटेल मेरे मेल आईडी पे सेंड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर आप मेरे को ईमेल आईडी दे सकते हो अपनी, वहाँ पे मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हो गिव अवे के विनर। ओके गाइज, मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।